अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे आवर लेक्चर नंबर इज 25। ओपन पेज नंबर 121 ऑफ योर बुक। आवर टॉपिक इज फ्रैक्शंस क्वार्टर्स 1/4। इससे पहले के लेक्चर में हमने हाफ्स किए थे, हाफ्स वाली फ्रैक्शंस की थी। अब हमारी क्वार्टर्स के साथ फ्रैक्शंस है। यहाँ पे देखें, When a whole is divided into four equal parts, then each part is 1/4 or 1/4 of the whole, because each part is one part out of four parts. इसका क्या मतलब है कि जब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, जैसे एक राउंड पिज्ज़ा है। इस पिज्ज़ा में देखें, अगर इसको हम पहले सेंटर से डिवाइड करते हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, देन अगेन हम इसको टू पार्ट्स में दोबारा डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास फोर इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। हर पार्ट को क्या होगा, 1/4 1/4 1/4, और हर पार्ट ये क्या, इसको हम कहेंगे क्वार्टर ऑफ द होल। जैसे 1/2 को हाफ कहते थे, इस तरह फोर्थ पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वार्टर पार्ट। जैसे ये देखें, 1/4 है, टोटल पार्ट्स कितने थे, 4 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसमें से एक पार्ट हमने ले लिया, तो ये टोटल का 1/4 बन जाएगा। आगे देखें, एक बर्ड्स की एग्जांपल है, 4 बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, 1 बर्ड इज़ वाइट, सो 1/4 1/4 ऑफ द ग्रुप इज़ वाइट। अगर इन चार परिंदों में से बर्ड्स हैं, तीन जो हैं वो कलर्ड हैं और 1 इज़ वाइट, तो टोटल का 1/4 पार्ट इज़ वाइट, इस तरह बोलेंगे हम इसे। एक और एग्जांपल देखें, देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, यहाँ पे 1 पार्ट इज़ रेड, इनमें से एक पार्ट जो है ग्रुप का वो रेड है, सो 1/4 ऑफ द ग्रुप इज़ रेड। इसको हम कैसे बोलेंगे कि टोटल में से जो 1/4 पार्ट जो है वो रेड है, इसलिए 1/4 पार्ट इज़ रेड। वी फाइंड 1/4 ऑफ 16 आइटम्स हैज़ 4 आइटम्स, यानी कि यहाँ पे देखें, अगर टोटल आइटम्स हमारे पास 16 थी, और अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट में कितनी चीज़ें आ जाएंगी, 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगी। मैच दी शेडेड पोर्शंस विद द फ्रैक्शनल नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फिगर्स दी गई हैं, जिसमें हमने फ्रैक्शंस को मैच करना है, कि फ्रैक्शंस को देखना है कि 4 पार्ट में कौन सी डिवाइड है और हाफ्स में कौन सी डिवाइड है। ये वाली सबसे पहले देखें, ट्रायंगल 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 इज़ शेडेड। आगे देखें, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इससे तो ये मैच नहीं करेगी। इसको देखें, सर्कल को, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसकी फ्रैक्शन भी क्या बन रही है, 1/4, तो हम मैचिंग ऐसे कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में देखें, ये ट्रायंगल हाफ्स में डिवाइड है और ये सर्कल भी हाफ्स में डिवाइड है, तो हमारी मैचिंग क्या बन जाएगी, इस तरह। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्वार्टर्स का भी क्लियर हो गया होगा, हाफ्स की तरह। आपने इस लेक्चर के साथ अपने टेबल्स भी रिवाइज करने हैं, 9 और 10 का, और 2 से 10 तक आपने रिवीजन करते जाने टेबल्स की। ओके, अल्लाह हाफिज़।